बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक्स में एक सिंपल प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली एक सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक हेडर फाइल ऐड कराता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ग्राफिक्स डॉट एट मुझे हेडर फाइल ऐड करानी होगी। अरे भी, तो मैंने एक हेडर फाइल ऐड करा दी ग्राफिक्स डॉट एच, और एक और हेडर फाइल ऐड कराते हैं कोनियो डॉट एच। उसके साथ मैं वाइड मेन फंक्शन में चला जाता हूं और साथ ही दो वेरिएबल बनाता हूं, एक जी डी और उसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूं डिटेक्ट DETECT, और साथ ही उसका मोड और इनिट ग्राफ मैं बनाता हूं, जिसमें मैं क्या करूंगा कि अपने ग्राफिकल मोड को एनेबल करने की कोशिश करूंगा। और ये तीसरा आर्गुमेंट होता है हमारा पाथ का, तो मैं पाथ देने की कोशिश करता हूं BGI फाइल्स बोरलैंड ग्राफिकल इंटरफेस। ये जो हमारा ग्राफिक ड्राइवर होती है उसकी फाइल के एक्सटेंशन .bgi होती है। तो इनिट ग्राफ करने के बाद हम सेट कलर लिखते हैं, जो करंट ग्राफिक होती है हमारी, करंट शेप जो मैं बना रहा हूँ उसका कलर मैं क्या रखना चाहता हूँ। सपोज मैं रेड रखना चाहता हूँ, तो मैंने रेड रख दिया है। सेट बी के कलर एक फंक्शन होता है, ये बैकग्राउंड का कलर रखेगा, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। कलर्स हमेशा आपको कैपिटल में लिखने होंगे। देखिए ऊपर मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो सेमी कॉलन भी मैं लगा देता हूँ। और यहाँ पर हम कोई सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, तो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर 100 और इसका वाई कंपोनेंट 200 और इसका रेडियस मैं 50 रख देता हूँ। और इतना करने के बाद आखिर में गेट CH लगाते हैं ताकि स्क्रीन को होल्ड करे, और मेन फंक्शन को हमने क्लोज कर दिया। तो इसको मैं डिबग करने की कोशिश करता हूँ। क्या है, नहीं कंपाइल करो तो कोई एरर नहीं है। रन करते हैं हम, तो देखिए हमारा सर्कल बन गया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।